नेक्स्ट जो हमने मैंने बोला पावर ऑफ लेंस, कौन सा हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, मीन्स पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f मीन्स फोकल लेंथ, दिस इज अ पावर ऑफ लेंस, पी मीन्स पावर ऑफ लेंस, एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस. नाउ अवर प्रॉब्लम मीन्स न्यूमेरिकल डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला. ओके, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ही पूछेंगे, आपको एफ देंगे तो पावर ऑफ लेंस देंगे पूछेंगे, पावर ऑफ लेंस देंगे तो एफ पूछेंगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में, नहीं तो 2 मार्क्स के लिए, और जो पहला लेंस फॉर्मूला है वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आ सकता है. ओके, अभी पेज नंबर 86 पे क्या दिया है, फोकल लेंथ, क्या दिया है हमको, फोकल लेंथ दिया है. अभी क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज अ पावर, क्या क्या आपको दिया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस. ओके, तो फोकल लेंथ मीन्स एल इज अ स्मॉल एफ, तो गिवन क्या दिया है, स्मॉल एफ. ओके, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड क्या करने का है, फाइंड आउट पावर ऑफ लेंस मीन्स पी. वट इज द फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 1/f, वी हाउ टू पुट f की वैल्यू, f कितना दिया है 20, तो अभी f is always इन अ मीटर, ये जो फोकल लेंथ है ना मीटर में लेते हैं, तो वी हैव टू कन्वर्ट. अभी 1 मीटर मीन्स हाउ मच, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. ओके, तो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, दैट्स व्हाई वी डिवाइड बाय 100, तो कितना आया, 0. ये 0 0 गया तो 0.2 मीटर, ये कितना आया, एफ कितना आया, 0.2 मीटर. तो ये एफ है ना ऑलवेज टेकन इन मीटर, तो ये कितना आया, मीटर कितना आया, 0.2 मीटर, वी हैव टू राइट डाउन 0.2 मीटर. तो पी कितना है हमारा, ये डेसिमल पॉइंट हम निकालेंगे, तो ये ऊपर कितना आया, 0 ऊपर ऐड करेंगे अपॉन 2, तो ये कितना आया, 2 5 10 मीन्स 5, ये कितना आया, पी कितना आया, 5. तो पी का जो यूनिट क्या है, डायप्टर, पी का यूनिट क्या है, डायप्टर, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 5 डायप्टर. ओके, तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 5 डायप्टर. नाउ वी हैव टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, इधर एफ दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट पी. अभी मैं क्या करती हूँ, उल्टा करती हूँ, आपको पी देती हूँ, आप वी हैव टू फाइंड आउट एफ. ओके ओके, फिनिश्ड. ओके, अभी लास्ट वन, अभी मैं क्या करती हूँ, आपको पी देती हूँ, पी पावर ऑफ लेंस इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस देती हूँ 10 डायप्टर. वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस दिया 10 डायप्टर, वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ. अगेन वी हैव टू राइट आउट द फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f मीन्स f इज इक्वल टू 1/p, ये इधर जाएगा, तो p कितना दिया है, 1/10 दिया है, 1/10, 1/10 मीन्स कितना हुआ, 0.1 मीटर, मीन्स f कितना आया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आया, 0.1 मीटर, ये कितना आया, 0.1 मीटर. हाउ टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, अभी ये कितना आया, 0.1 मीटर, हाउ टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना आता है, कितना आता है, 10 सेंटीमीटर. कितना आया हमारा पावर ऑफ फोकल लेंथ, कितना आया 10 सेंटीमीटर. ओके, अभी फिर से आपको ये करने का है, हमारा आंसर बराबर का है क्या नहीं है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करेंगे. P इज इक्वल टू
1 upon फिर से ये 10 सेंटीमीटर अगेन हम 0.1 तो हमारा ये पी ये कितना आया है 0.1 तो 0.1 मीन्स कितना 10 तो डायप्टर तो हमारा आंसर क्या है राइट है ओके ओके अंडरस्टूड। जब हमको पी दिया है तो एफ फाइंड आउट करने एफ दिया है तो पी फाइंड आउट वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला तो ऑलवेज रिमेम्बर बोथ फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला एंड दिस पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एंड सेकंड फॉर्मूला इज पी इज पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ ओके होप यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला आपको ये दोनों फॉर्मूला आपको ये सॉल्व करने में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होंगे। अभी आप होमवर्क के लिए पेज नंबर 92 पे जो थर्ड एंड फोर्थ है वो आप घर से सॉल्व करके लाओ दिस होमवर्क फॉर यू ओके होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। Don't forget, like, share and subscribe this video.